आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के चार्ट को या राइट इश्यू को डिस्कस करें इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखी है कि सुजलोन एनर्जी के फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती जी का निधन हो गया है कार्डियक अरेस्ट के कारण। और जिस उम्र में इनका निधन हुआ है, इस समय इनका उम्र 64 ईयर का था। और देर रात हमने देखा, 1 अक्टूबर के देर रात इनकी निधन हुई है, इनका डेथ हुआ है। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का कहना क्या कि ये सर, क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है। पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर के मर जाने से कंपनी बंद नहीं होती है, ऐसे रूमर से बचेंगे। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिख सकता है, डाउन ट्रेंड दिख सकती है, चूंकि इसलिए नहीं कि ये मरे हैं, इसीलिए कि ग्लोबल क्लूज भी इस समय निगेटिव है। चार्ट को आप देखें तो ऑलरेडी 3 टाइम रिजेक्शन के बाद 4th टाइम इस समय 8 रुपीज का सपोर्ट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पेनफुल हो सकता है और स्टॉक 6 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो इस समय आपको फ्रेश बाइंग करने से बचना चाहिए, और जब तक बचेंगे तब तक ये स्टॉक 9 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है। राइट इशू का लास्ट डेट खत्म हो चुका है, इस समय थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। टेक्निकली इस स्टॉक को देखें तो 8.70 रुपीज पे चल रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में ये अंडर परफॉर्म रहा है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपेरेटिवली। तो इस समय इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग करने से शॉर्ट टर्म बचेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल पैनिक सेलिंग नहीं करे, पोजिशन बनाए रख सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर कर रही है। मेरा व्यू है कि शॉर्ट टर्म में 6 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, फ्रेश बाइंग 9 रुपीज के ऊपर सस्टेन पर ही करेंगे।